चंदौली पुलिस ने गौवंश वाहन को लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। डकैतों ने गौशाला ले जाते समय पुलिस और गौवंश कर्मी को मारपीट कर वाहन समेत गौवंश को लूट ली। घटना को अंजाम देने वाले 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्तों के पास से लूटी गई पिकअप, स्विफ्ट डिजायर कार और स्कॉर्पियो बरामद किया गया है। डकैतों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 6 एंड्रॉइड फोन, 2 एटीएम, 1 ग्रीन कार्ड और 3,000 नकदी बरामद हुई है। सूचना मिलने पर बलुआ पुलिस टीम ने अभियुक्तों को बुलाया और तिराहा ग्राम सराय से उन्हें हटाया गया। गिरफ्तार एसपी चंदौली ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को 20,000 इनाम देने की घोषणा की। अन्य 5 लोगों की तलाश जारी है। पिकअप में जो बरामद गोवंश थे, उसमें एक पिकअप में पीआरडी के सिपाही के साथ में गोवंश को गौशाला में भेजा जा रहा था, तो उसी दौरान कुछ वाहन आए कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। उस वाहन को रोक कर पीआरडी का जो सिपाही था और जो कर्मचारी थे गौशाला को, उनको बाहर निकाल के ये जो पिकअप थी और गोवंश थे उनको लूट के वहां से फरार हो गए थे। ये 14 तारीख की शाम की घटना है। 15 तारीख को इस घटना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके उपरांत क्योंकि हमारी सभी टीम्स हमारे एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में, सीओ साहब, थाना की टीम, जो एसओजी की टीम है, सभी को इसमें लगाया गया था। तो क्योंकि इनके सब पे दबिश दी जा रही थी इनके सबके घर में, तो बाद में आज सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास थाना बलुआ जो तिराहा है उसमें ये व्यक्ति अजीत कुमार जो हैं अपनी पिकअप लेके ये जा रहे थे बिहार की तरफ, क्योंकि इनका ससुराल है। इनको सबको प्रेशर था कि पुलिस इन पर सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये अजीत की हमारे पास सूचना थी मुखबिर के द्वारा, ये यहाँ से निकल रहे थे तो पुलिस द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया, रोका गया और इनके साथ में जो पिकअप जो थी वो बरामद की गई। साथ ही साथ इसके अलावा 5 लोग और थे जो मौके से गिरफ्तार किए गए, जो 2 वाहनों में थे।